घर में कुछ खाने का मिलेगा नहीं मिलेगा? कहां से लाकर दूं मैं तुम्हें खाने का, जब मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि राशन खत्म हो गया, तुम लाए? राशन खत्म हो गया? अरे अभी तो मैं राशन लेके आया था। उस अभी को ना एक महीना बीत चुका है और वो राशन अब खत्म हो गया, समझे? और चार दिन पहले मैंने तुम्हें 2200 रुपए दिए थे, वो कहां गए? अगर राशन खत्म हो गया तो ले आते। 2200 में ना अब घर का कोई गुजारा नहीं होता, खर्चे बढ़ चुके हैं समझे, और दुनिया में महंगाई भी, क्या कर लेती मैं उन 2200 में? मुझे पता है भाई कैसी महंगाई चल रही है कैसी नहीं। ये जो पार्लर में जाके पैसे लगाते हो ना, ये लगाना बंद कर दो, खर्चे अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे। जैसे तुम तो बहुत सिंपल से रहते हो ना, तुम अपना ध्यान रखते हो तो मैं भी रख सकती हूँ समझे। तुम्हारा क्या, तैयार हुए और निकल गए? अरे जितना मेरे से होता है उतना मैं करता तो हूँ, अब मेरे ऊपर ब्लेम क्यों डाल रहे हो तुम? अच्छा तुम पे ब्लेम ना डालूं तो और किस पे डालूं? तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है अगर तुमसे कुछ नहीं होता तो मुझे नौकरी करने दो, लेकिन नहीं, उसमें भी तुम्हारी मेल ईगो हर्ट हो ही जाती है। अच्छा अब मैं तुम्हारी कमाई खाऊंगा, लोग क्या कहेंगे कि पति घर पे बैठे हैं, पत्नी कमाने निकाल दी। तो क्या बुराई है इसमें, अब घर चलाने के लिए किसी को तो कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा ना, या तो तुम लोगों की सोचो या फिर अपनी। पता नहीं यार, जब से शादी हुई है ना जब से मेरी किस्मत साली खराब होती जा रही है। हाँ मुझे भी ना इस बात का एहसास धीरे धीरे हो ही रहा है कि तुमसे शादी करके ना मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमसे बहस कितनी मर्जी करा लो, खाने का मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि घर में राशन नहीं है, तो तुम कुछ खा सकते हो तो बाहर से खा लेना। कहाँ की लव मैरिज यार? हो गया तुम्हारा टाइम आने का? तुम दारू पी कर आए हो, कितनी गंदी स्मेल आ रही है तुम में से। हाँ। किस खुशी में कर दी मैंने स्टार्ट? एक तो ना मुझसे दूर रहकर बात करो, कब से शुरू कर दिया तुमने ये सब? तू कौन होती है मुझे बोलने में? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? आगे जहाँ से आने थे। वाह, घर चलाने के लिए, घर के राशन के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं होते, और दारू पीने के लिए तुम्हारे पास बहुत पैसे आ गए। तो क्या मतलब? मेरे पास पैसे कहीं से भी आए, तुमने काम का। एक सेकेंड, तुम्हारी अंगूठियां कहाँ गई? बेच दी, और उन पैसों की मैंने पी है दारू। तुम्हारा दिमाग ठिकाने में तो है, ये क्या करके आए तुम? इतनी महंगी अंगूठियां बेची, वो भी सिर्फ एक दारू के लिए। हाँ, तो क्या करूं मैं? घर में खाने के लिए दाना नहीं है, कुछ तो करना था मुझे। आज मैंने अंगूठी बेची है, कल ये जो मंगलसूत्र ये बिकेगा। ये कहीं नहीं बिकने वाला, आई तुम्हारी बात समझ? तुम्हारा लड़ा रही है अपना मतलब से मतलब रखे, जो कर रहा हूँ ना मुझे करने दे। तुम अपनी हद में रहो समझे। निकल। ऐसे भी हुआ तेरे बाप के पास हो गए नहीं पिता, अपने दम पे पिता हूँ। चुप भी हो जाई बे, रोन का क्या फायदा है? मम्मी आप ठीक कह रहे थे, उस टाइम तो मैंने जल्दबाजी में शादी कर ली आप लोगों से लड़के, अब मुझे अच्छे से पता चल रहा है। बस जब मैं उल्टे काम करे तब होगी बे, हम क्या कर रहे हैं? मम्मी मैं थोड़े दिन वहां आ जाऊं प्लीज। देख हम तो बढ़ने नहीं दे, मैं जीसा करे उसा भरी बे, आड़ा मत आइए। Thank you.
उठ गए तुम? हाँ मैं तो उठ गया यार, लेकिन पता नहीं सीने में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ इतनी पी कर आओगे तो यही होगा, सिर में दर्द। पीकर? मैं दारू पीकर आया था। कुछ याद है तुम्हें, तुमने क्या क्या किया था कल? यार मेरे को तो कुछ भी याद नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत याद आ रहा है दोस्तों के साथ बैठा था, उसके बाद कुछ पता ही नहीं लगा। कल तुमने पीकर मुझ पे हाथ उठाया। देखो यार अगर ऐसा सब हुआ है ना, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। बस मुझे इतना याद है कल शाम को मैं दोस्तों के साथ बैठा था, उसके बाद मुझे पता ही नहीं लगा मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, कौन मुझे घर पे ले गया आया। क्या करूँ मैं तुम्हारी ऐसी माफी का जिसमें तुम्हें खुद को कुछ नहीं याद कि तुमने क्या किया था और क्या नहीं। मुझे समझ ही नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है, सब तरह से रास्ते बंद होते जा रहे हैं। नौकरी है, नौकरी हाथ से चली गई, लेकिन मुझे एक बात समझ में आ रही है, घर वाले सही कह रहे थे कि हमारी पसंद की लड़की से शादी कर ले, सब अच्छा होगा, सब कुछ तेरा हम करेंगे। पता नहीं यार मैंने क्यों नहीं उनकी बात मानी और घर से भाग गया मैं। ओ अच्छा, तो तुम्हारा कहना है कि तुमने मुझसे शादी करके गलती कर ली है ना, तो एक काम करते ना, अगर हम दोनों ही अपने परिवार से बात करके प्यार से एक साथ शादी कर लेते ना तो शायद ज्यादा खुश रहते। यार तुम मेरी बात का उल्टा मतलब निकाल रही हो। छोड़ो यार, उल्टा सीधा सब समझ रही हूँ मैं, तुम में ना चेंजेस अभी से दिखने लग गए हैं कि तुम कितने बदल गए हो और तुम शादी से पहले क्या थे। मेरे घर वाले भी बहुत ठीक कहते थे कि मैं तुम्हारे साथ शादी करके ना बहुत रोऊंगी, और अब मैं सच में रो रही हूँ। अरे अरे मेरी बात तो सुनो यार। ₹500 हैं? मेरे पास कहाँ से आए पैसे? अरे मेरे को नौकरी के लिए पता करके आने। मेरे पास कोई पैसे नहीं है और ना तुमने मुझे दिए थे जो मेरे पास रखे होंगे। मेरी जेब में रात को ₹1500 थे, अब मेरी जेब में ₹1 नहीं है, मेरे पैसे कहाँ चले गए? मुझे नहीं पता, ना मैंने देखे ना कुछ, तुमने कहीं रख दिए होंगे और तुम भूल गए होगे अब। और मुझे अच्छे से पता है तुम कौन सी नौकरी की बात कर रहे हो कौन सी नहीं, तुम्हें पीनी होगी ना बस। जब तुम्हें पता ही है तो मुझे दे क्यों नहीं देते तुम पैसे? तेरे को प्यार से बोल रहा हूँ, मेरे को पैसे दे दे वरना अच्छा नहीं होगा। देखो मेरे पास कोई पैसे नहीं है समझे? इधर दो। मैं नहीं दे रही। इधर दो ये। मैंने कहा मैंने। इधर दे। ये क्या कर रहे हो तुम, मेरा मंगलसूत्र है वो। दिया मैंने था ना, इसका जो मर्जी करूं, तेरे को क्या मतलब? बेशक तुमने इसे दिया हो लेकिन ये मेरा है समझे? अपना काम करना। मैंने कहा रुको मुझे मेरा मंगलसूत्र दो। तुझको ही चाहा, तुझको ही मांगा, जिन रास्तों से गुजरा ये दिल था। रुको, क्या बदतमीजी है ये? अच्छा ये बदतमीजी लग रही है तुम्हें, और जो तुम इतने टाइम से कर रहे थे वो क्या था फिर? प्यार से समझा रहा हूँ, मेरे मुंह मत लग, निकल जा यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाने वाली, और बहुत प्यार से समझा दिया तुमने और मैंने भी बहुत प्यार से समझ लिया। अब एक बात तुम समझ लो कि मैं तुम्हारी ना बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करने वाली। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो कुछ भी टॉलरेट कर लूंगी? ऐसा नहीं होने वाला। और ये मंगलसूत्र तुम्हें रखना था ना, एक काम करो इसे तुम ही रखो, अब मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है कोई। मेरे प्यार को ना मेरी कमजोरी समझने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या मतलब है तुम्हारा यार? क्या मतलब? मतलब तो तुम्हें खुद समझना होगा, अगर आगे से किसी के साथ रिश्ता बनाने जाओ ना तो ध्यान रखना उस इंसान की ना इज्जत करनी बहुत जरूरी होती है, तभी रिश्ते निपटते हैं वरना नहीं। अब मैं तुम्हें तुम्हारे बिना जी कर दिखाऊंगी। हर ख्वाहिश से बढ़कर मुझे नाम तेरा ही है, जुबान